हेलो आपके यहाँ में वैकेंसी खाली होगा जी? वैकेंसी आप मैनेजर से बात कर लीजिए, मैनेजर इधर होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। अच्छा, हमको जॉब चाहिए था, जॉब वैकेंसी के लिए आया। वैकेंसी खाली है? हाँ खाली तो है। अब बायोडाटा लाया? हाँ सर, बायोडाटा लाया है। अब ये लीजिए सर, देख लीजिए। ठीक है, आप पहले कौन सा स्टोर में था? हम लोग का एक गाड़ी दुकान था आंटी का, उसमें हम जॉब किया था। तो आपको हमें सैलरी कितना मिलता था? हमको वहाँ पे 10,000 देता था, एंड खाना पीना भी साथ में देता था। तो आप बैठिए। आपको हमें सैलरी कितना मिलता था? 10,000। अच्छा, आप शादीशुदा है? नहीं, हम शादीशुदा नहीं है। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं है अभी। घर में कौन कौन है? पापा, बहन, मम्मी और पापा। हाँ सब है। तो देखिए, हम लोग का यहाँ में तो जॉब है, नौकरी के लिए तो बहुत आदमी आते रहते हैं जी, तो हम लोग कमीन नहीं लेते। आपको देख के थोड़ा अच्छा लगा, स्मार्ट लगा, सुंदर है आप, तो इसलिए हमको थोड़ा अच्छा लगा है ना, आपसे रियल से लग रहा है। तो देखिए, हम लोग के यहाँ में सैलरी कम है, हम लोग स्टार्टिंग से 8,000 लेते हैं, तो आपका 1 ईयर के बाद में आपका डबल हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अच्छा, तो खाना पीना हम लोग का साथ ही कर सकेगा आप? हाँ तब तो ठीक है, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। हमको खाना पकाने नहीं आते। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका साथ मिलके बना लीजिए। आपको देखा देगा, हम हेल्प कर देगा। हाँ, पकाने तो हमको नहीं आते। तो ऐसे हो गया, जो 1 साल का बाद में जो आपका सैलरी जो डबल होके आएगा। हाँ? लेकिन आपके अकाउंट में नहीं घुसेगा। क्यों? ये हम लोग का कंपनी का रूल है। ऐसा कैसे कंपनी का रूल, मतलब तो कहाँ? नहीं नहीं, जब आप जॉब छोड़ देगा ना। हाँ? तो हम उसको अच्छा। तो आपके अकाउंट में 8,000 ही घुसते रहेगा, आप जितना साल नौकरी करेगा 8,000 ही घुसते रहेगा जी। जो 8,000 मेरे अकाउंट में घुसेगा, जो आप हम लोग यहाँ में आपका साथ एग्रीमेंट होगा 5 ईयर्स का, आप हम लोग का यहाँ 5 ईयर्स नौकरी करना ही है। अगर हमको कहीं बाहर जाना होगा तो बीच में, मतलब कहीं बस्ती या छुट्टी? नहीं नहीं, वो हमको बोले, हम ले जाएगा। आप क्यों, हम खुद चला जाएगा? नहीं नहीं, हम लोग कंपनी का रूल है, लड़की को अकेला नहीं छोड़ते। नहीं, हम लोग का ब्लैकबेरी का रूल है, सही है। अगर हमको कहीं शादी वाली डेट पे जाना होगा तो? नहीं, डेट उठ देखिए, एक नंबर बात किया है तो आप हम लोग का स्टोर में नौकरी करने से आप बॉयफ्रेंड बनाने नहीं सीखिए। क्यों, कैसे? नहीं, हम लोग कंपनी का रूल है, ऊपर से ऑर्डर है मोदी सर का, तो इसलिए मतलब ये कंपनी का सर मोदी है। हाँ मोदी है, नरेंद्र मोदी। हाँ, पीएम मोदी है। तो उन्होंने मतलब ऐसे मतलब ये किया है सिस्टम करने के लिए। तो आप हम लोग के यहाँ में जो जब से नौकरी स्टार्ट करेगा तो हम लोग को यहाँ में सिक्योरिटी आप देना पड़ेगा 10,000। क्यों, हम क्यों 10,000 सिक्योरिटी? नहीं, सिक्योरिटी आप कहीं भाग गया तो दूसरे वर्ग का सब, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो पैसा से, मतलब हम लोग गाड़ी रिजर्व उजर्व करके आपको ढूंढेगा। तो सोचना पड़ेगा, हम ऐसे क्योंकि हम पैसा के लिए काम करने आए ना, कि पैसा दे। नहीं नहीं, देखिए पैसा के लिए तो वो तो हर किसी, हम भी तो पैसा के लिए कर रहे हैं हम, पर ये देना नहीं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप शुरू में मत दीजिए, एक महीना नौकरी करने के बाद में जो 8,000 जो सैलरी मिलेगा ना, आप 2,000 पिताजी से या दोस्त से किसी से उधार लेके हमको दे दीजिए। चलेगा किसे, क्योंकि खुद का भी तो पर्सनल खर्चा होते हैं। नहीं, वो हम लोग आपको देगा। तब तो ठीक है। और 2 नंबर बात किया है, आप कौन सा फोन यूज़ करते हैं? हम रेडमी। नहीं, उसका सिम। और सिम कौन सा नेटवर्क? जियो और एयरटेल। BSNL यूज़ नहीं करते? नहीं। तो आप सबसे पहले अभी जाके BSNL सिम एक्टिव अप्लाई कीजिए। ठीक है, वैसे हमसे लेके जाइए। हाँ हाँ, वो तो BSNL ऑफिस मालूम है ना। हाँ, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट जी, उसको आप कल लेके आइए। आज आपका हो गया, आज 19 है ना, तो आप 25 से ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है।